न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षय वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। तांत्रिक ने बारी बारी से पिलाई चाय, दम तोड़ते गए 9 लोग, आत्महत्या नहीं हत्या थी वो। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत से पहले सामूहिक आत्महत्या का केस माना जा रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि जो कर्ज में डूबे होने की वजह से पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 20 जून को हुई 9 लोगों की एक साथ मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अब यह मामला सामूहिक हत्याकांड का नहीं बन गया है, जबकि पहले इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला है कि दो भाइयों के परिवार को एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने जहर देकर मार डाला। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 जून को महसल गांव में एक किलोमीटर के फासले पर मौजूद दोनों भाइयों के घरों में परिवार के सदस्यों के 9 शव मिले थे। इसमें भाई एक टीचर और दूसरा पशुओं का डॉक्टर था। पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार मौलिया के मुताबिक तांत्रिक अब्बास ने वनमोर भाइयों डॉक्टर मानिक वनमोरे और पोपट वनमोरे के लिए गुप्त धन खोजने का वादा किया था और इसके एवज में उसने मोटी रकम करीब 1 करोड़ रुपए भी लिए थे। जब गुप्त धन नहीं मिला तो हमारे बंधु तांत्रिक से अपनी रकम वापस मांगने लगे, लेकिन अब्बास रुपए वापस नहीं करना चाहता था। दबाव बढ़ा तो उसने वनमोरे बंधुओं के पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 20 जून को हुई 9 लोगों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। शुरुआती जांच के अनुसार मुख्य आरोपी अब्बास मोहम्मद अली बागवार 19 जून को अपने ड्राइवर धीरज चंद्रकांत सुरवेश के साथ महसल गाँव में वनमोरे बंधुओं के घर पहुंचा, जहां तांत्रिक ने छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू की। इस दौरान उसने परिवार के सदस्यों को उनके घरों की छत पर भेजा, फिर उन्हें एक एक कर नीचे बुलाया और चाय पीने के लिए कहा, जिसमें पहले से कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इससे पेय के पीने के बाद वनमोरे परिवार के लोगों ने बेहोशी के बाद दम तोड़ दिया। दरअसल बीते 20 जून को सांगली जिले के महेसल गांव में टीचर के रूप में कार्यरत पोपट वनमोर 54 वर्षीय, उनके भाई और पशु चिकित्सक डॉक्टर मानिक वनमोर 49 वर्षीय समेत उनकी 74 साल की मां, पत्नियों समेत 4 बच्चे अलग अलग घरों में मृत पाए गए थे। दोनों के घर के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस को दोनों ही घरों से सुसाइड नोट मिले थे। दरअसल बीते 20 जून को सांगली जिले के महेसल गांव में टीचर के रूप में कार्यरत पोपट वनमोर 54 वर्षीय, उनके भाई और पशु चिकित्सक डॉक्टर मानिक वनमोर 49 वर्षीय समेत उनकी 74 साल की मां, पत्नियों समेत 4 बच्चे अलग अलग घरों में मृत पाए गए थे। दोनों के घर के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस को दोनों ही घरों से सुसाइड नोट मिले थे। उधर सुसाइड नोट्स की जांच करने पर भी पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आमतौर पर सुसाइड नोट में व्यक्ति पहले कारण लिखता है और फिर लोगों को दोषी ठहराता है, जबकि इस मामले में देखा गया कि कुछ लोगों के नाम सुसाइड नोट की शुरुआत में ही लिख दिए गए थे। वहीं इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि परिवार खुदकुशी करना चाहता था। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि आरोपी तांत्रिक अब्बास ने दोनों भाइयों को किसी बहाने से साहूकारों के नाम लिखने के लिए गुमराह किया होगा, ताकि इस मामले को सामूहिक आत्महत्या के तौर पर दर्शाया जा सके। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।